नमस्कार दोस्तों, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभिषेक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों देखिए, समय समय पर क्या है, मुख्यमंत्रियों के द्वारा अलग अलग राज्यों में योजनाएं लॉन्च होती है। क्या होता है दोस्तों, योजनाओं का जो लाभ है एक गरीब और एक मजदूर को नहीं मिल पाता है। उसका रीज़न यही है कि उसको कोई जानकारी ही नहीं बताता है कि आखिर योजना कौन कौन सी चल रही है। सरकार तो योजनाएं पूरी करती है, ठीक है, फिर लास्ट में सरकार को ही दोष दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है, जो ग्रामीण अंचल होते हैं जहां पर सोशल मीडिया की कमी होती है, वहां पर जो रहने वाले हैं उनको जानकारी नहीं मिलती है योजनाओं के बारे में। योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए सभी को जो एक योजना के लिए योग्यताएं पूरी कर रहा है। लेकिन अभिषेक क्लासेस, जहां तक मुझे लगता है, मैं आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन दूंगा जो अभ्यर्थी मुझसे बार बार पूछेगा। एक योजना है दोस्तों, फ्री स्कूटी योजना। स्कूटी मिल रही है मुख्यमंत्रियों के द्वारा, लेकिन इसके लिए पात्रता क्या है, कौन लेगा इस स्कूटी को, ये भी जानना जरूरी है ना। क्या ये महिलाओं को मिलेगी या फिर पुरुषों को मिलेगी। यहाँ पर फ्री स्कूटी योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो को देख लेने के बाद आप बार बार सर्च करने से बचोगे। फ्री स्कूटी योजना आखिर क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, फ्री स्कूटी योजना 2022 की चर्चा हो रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म अप्लाई, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप कर देना, ठीक है। लास्ट डेट फॉर्म चालू है, ठीक है, और 31 फॉर्म अप्लाई होंगे। ये समय समय पर ही लिंक ओपन होती है दोस्तों, अब खुल रही है, फॉर्म आप भर देना, ठीक है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करूं तो फ्री स्कूटी योजना में आखिर सिलेक्शन किस प्रकार होता है युवाओं का। जिला कलेक्टर बैठता है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी और सामाजिक न्याय अधिकारी, ये चारों की जो है कमेटियां बैठती है और यही जो है लास्ट में डिस्कशन करते हैं कि किसको स्कूटी दी जाए और किसको नहीं दी जाए। जो होगा रियल पात्रता को फॉलो करेगा उसको इस योजना का लाभ मिलेगा, उसको जो है फ्री में स्कूटी प्रदान हो जाएगी। देखिए, पात्रता की दस्तावेज क्या क्या चाहिए वो आप एक बार देखिएगा। सबसे पहले बात की जाए दोस्तों आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए या फिर 2 लाख होनी चाहिए, ठीक है। और आय प्रमाण पत्र 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। निःशक्तता प्रमाण पत्र, आप PWD कैटेगरी से है, PH है, तो आपको निःशक्तता प्रमाण पत्र, हैंडीकैप प्रमाण पत्र होगा, सर्टिफिकेट होगा आपके पास, 40% तो कम से कम होना ही चाहिए उसमें विकलांगता, तो ये आप देख लेना। मूल निवास प्रमाण पत्र, जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हो, किस राज्य से हो, किस जिले से हो, किस तहसील से हो, किस गाँव से हो, किस शहर से हो, वो आपके मूल निवास प्रमाण पत्र में उपलब्ध होता है। आधार कार्ड, उसके बाद आयु प्रमाण पत्र। अब आयु प्रमाण पत्र क्यों मांगा जाता है दोस्तों, ये जो विश्वविद्यालय होते हैं ना, यूनिवर्सिटी लेवल मान्यता प्राप्त महाविद्यालय कॉलेज जो होते हैं, यहाँ से ये आयु प्रमाण बनता है दोस्तों, ठीक है। तो अध्ययनतर यहाँ पर लिख रहा होगा, अध्ययनतर का मतलब है कि जारी है, पढ़ाई कर रहा है एक युवा विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय से, तो वहां से ये बन जाएगा, ठीक है। रोजगार करने वाले, कहीं आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आप घर से 2-3 किलोमीटर या फिर ज़्यादा चलकर जा रहे हो, आपके पास साधन की असुविधा है, तो आपके लिए चांस है, फॉर्म अप्लाई कर देना। अब देखिए, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के आधार पर स्कूटी वितरण की जाती है, इसमें इस योजना का
यही मकसद है राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के आधार पर, ठीक है। रोजगार प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से होना चाहिए अगर आप कहीं रोजगार करने के लिए जा रहे हो तो, ठीक है। शपथ प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, शपथ में आपको जो है यही होगा, आप शपथ में ये उसमें मेंटेन करोगे कि हमारे पास लाइसेंस है, हम स्कूटी चलाना अच्छी तरीके से जानते हैं, हम सड़क के नियम सारे फॉलो करना जानते हैं, कुछ इस प्रकार का शपथ प्रमाण पत्र बनता है। फोटो पासपोर्ट साइज बनवा लेना नई एंड ड्राइविंग लाइसेंस। अब ड्राइविंग लाइसेंस तो बेहद ही जरूरी है, स्कूटी आपको फ्री में दे रहे हैं तो ऐसे थोड़ी दे देंगे कि लाइसेंस नहीं है और ठीक है आप तो चलाइए, लाइसेंस जरूरी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी अगर आपको फ्री स्कूटी योजना में लाभ लेना है तो। अब कौन इसका लाभ लेगा कौन नहीं लेगा वो देख लीजिए। देखिए दोस्तों, आयु सीमा 15 वर्ष से 29 वर्ष तक का अभ्यर्थी इस योजना पे फॉर्म अप्लाई कर सकेगा, लेकिन हाँ अगर 29 वर्ष के आवेदक प्राप्त नहीं हुए तो 45 वर्ष तक का अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकेगा। तो फॉर्म तो आपको अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है कि 29 वर्ष से ज़्यादा आयु है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं करोगे, फॉर्म तो आपको अच्छा खासा अप्लाई तो करना है, बाकी आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़। देखिए, कॉलेज जाने वाले, रोजगार करने वाली जो भी महिला पुरुष है उनको इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, ठीक है। पैदल चलने में असमर्थ है, बेचारे विकलांगता है, पैरों से चला नहीं जाता है, ठीक है, साधन की सुविधा नहीं है, रोजगार करने आप जा रहे हो, पढ़ाई करने के लिए विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय में आप जा रहे हो, तो उसको ये लाभ दिया जा रहा है। क्यों चूकते हो, फॉर्म अप्लाई कर देना, बाकी तो आपकी किस्मत का खेल है, किस्मत अगर अच्छी हुई तो आपका यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा और आपको फ्री में जो है स्कूटी दे दी जाएगी। अब फॉर्म कैसे भरना है दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको फॉर्म भरना है। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको जो है डाल दूंगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम पर वो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है लेटेस्ट वो डाल दूंगा और आप अच्छे से पढ़ लेना उसको। ये मेरा मकसद यही है कि मैंने अब आपको कम से कम जानकारी तो बताई कि हाँ योजना चल रही है, लिंक ओपन है फ्री स्कूटी योजना की। बाकी बहुत सारे ऐसे युवा है जिनको भाई साहब योजनाओं के बारे में मालूम ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी ही कमजोरी है। आप ध्यान दीजिए, जहां पर आपको सच जानकारियां दी जाती है वहां आपको परखना सीखिए, जहां पर झूठी जानकारी दी जाती है वहां पर विजिट मत कीजिएगा, ठीक है। अभिषेक क्लासेस को पहली बार देख रहे हो तो यहां पर मेरे भैया जी जानकारी दी जाती है सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं से लेटेस्ट एंड गरीब ईमानदार और सच्चे स्टूडेंट्स के लिए भविष्य के लिए आगे की प्लानिंग के लिए बेहद ही तत्पर तैयार रहता है अभिषेक क्लासेस। अभिषेक क्लासेस जाना जाता है ओनली सच्चाई के लिए और इस झूठी दुनिया का पर्दाफाश करने के लिए। आइए अभिषेक क्लासेस का साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस झूठी दुनिया का पर्दाफाश करते रहेंगे, सच पर अड़ग रहेंगे और जो है अपने भविष्य के लिए हम प्लानिंग बनाएंगे, अपने माता पिता का सपना पूरा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।